खुशामदीद कहते हैं हम आपको अपने चैनल पर। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म मर्द। ये फिल्म 12 फरवरी 1991 को पंजाबी जबान में पाकिस्तान में रिलीज़ की गई। ये फिल्म एक्शन, रोमांस और म्यूजिकल टाइप फिल्म थी, जिसे डायरेक्ट किया था अल्ताफ हुसैन ने, जबकि फिल्म के प्रोड्यूसर थे चौधरी आरिफ। फिल्म की स्टोरी लिखी थी बशीर नियाज ने, जबकि फिल्म को एडिट किया था कैसर जमीर और जमीर कमर ने। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी थी आरिफ प्रोडक्शन, जबकि डिस्ट्रीब्यूटर थे एवेन्यू स्टूडियो। फिल्म के मेन रोल में शामिल थे शान शाहिद। नगमा बेगम चला गया। आबिद कश्मीरी मेरा बड़ा प्रिय होंडे है। आबिद अली इतनी देर पे कभी नहीं सुनाई। मदीहा शाह और अफजाल अहमद शामिल थे। फिल्म को म्यूजिक दिया था एम अशरफ और एम अरशद ने, जबकि फिल्म में टोटल 8 गाने रखे गए थे, जिन्हें गाया था अजरा जहान, मसूद राणा और हुमैरा चन्ना ने। फिल्म का रनिंग टाइम 2 घंटे 20 मिनट 45 सेकेंड रखा गया था। बॉलीवुड में सन 1985 को अमिताभ बच्चन की एक फिल्म मर्द के नाम से आई थी, वो फिल्म ब्लॉकबस्टर फिल्म बनी थी। बॉलीवुड में एक और फिल्म मर्द के नाम से सन 1998 को आई थी, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती शामिल थे। इस फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट कलेक्शन की थी। इस फिल्म की स्टोरी दाऊद सेठ, अफजाल अहमद और शान की दुश्मनी के गिर्द घूमती है, जो शान के भाई आबिद अली के कत्ल से शुरू होती है। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का कुछ ख़ास जादू नहीं चल सका था। ये लाहौर के कुछ ही सिनेमाघरों में चली थी। कमाई के लिहाज से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज फिल्म साबित हुई थी और इसे हम 3.5 स्टार देंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।